युवा निगम को देशद्रोही बताया है और करकरे जी को जो गोली लगी वो पुलिस के अधिकारी की लगी थी, वो संघ के विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और देश के न्यायालय पर भी एक प्रकार से सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान ये कहता था कि कसाब ने गोली नहीं चलाई, कसाब ने कोई अपराध नहीं किया, कसाब ने किसी भी प्रकार से यह बम विस्फोट नहीं किया, लेकिन बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर आया तो पाकिस्तान को भी ये मानना पड़ा और पाकिस्तान में भी इस बात को कबूला कि यहाँ पर जिस प्रकार का आतंक है वो कसाब ने किया है। और हमारे ही देश में कांग्रेस का विपक्ष का नेता कहता है कि कसाब ने करकरे जी को नहीं मारा, ये शहीदों का अपमान है, ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। महाराष्ट्र उन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करेगा और मैं तो ऐसा कहता हूं पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों को उनकी औकात दिखानी चाहिए। ऐसा है, पहली बात, महाराष्ट्र में ये जो अटैक हुआ 2008 में हुआ, 2008 से 2014 तक महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और देश में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय सोए हुए थे, उस समय क्या कर रहे थे? इसलिए इस प्रकार की झूठी बातें कहकर और देश विरोधी बयान देकर आज हमारे देश की भूमिका को कॉम्प्रोमाइज करने का काम कांग्रेस ने किया है। विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार पाकिस्तानची भाषा बोलता है, पाकिस्तान देखील सुरुवातीला हेच म्हणत होतं की कसाबने काही केलेलं नाही तो निर्दोष आहे, पण शेवटी पाकिस्तानला देखील हे मान्य करावं लागलं की हो, कसाब आमचा रहिवासी होता आणि कसाबनेच त्या ठिकाणी आतंकवादी अशा प्रकारच्या घटना केल्या आहेत। मला आश्चर्य वाटतं, 2008 साली मुंबईवर हल्ला झाला, कसाब नावाच्या कसायाने हल्ला केला, 2008 पासून 2014 पर्यंत काँग्रेसचं सरकार महाराष्ट्रातही होतं, काँग्रेसचं सरकार देशातही होतं आणि आज उठून हे अशा प्रकारचं वक्तव्य देत आहेत की ज्या वक्तव्याने केवळ आणि केवळ पाकिस्तानला फायदा होणार आहे। आज पाकिस्तान यांच्या वक्तव्यावर आंतरराष्ट्रीय कम्युनिटीमध्ये सांगणार आहे की बघा, तिथली प्रमुख पार्टी काँग्रेस, त्या काँग्रेसचा नेता सांगतोय की कसाबनी करकरेंना मारलेलं नाही। म्हणजे एक प्रकारे शहीद करकरेंचा अपमान करायला देखील हे काँग्रेसही मागे पुढे पाहत नाही आहे। ही पाकिस्तानची भाषा जर काँग्रेस बोलणार असेल तर त्यांची औकात काय आहे ही भारताची जनता त्यांना दाखवून दे।